गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो एपिसोड में हमने देखा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम कैसे किसी वस्तु को चार्ज करते हैं और फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या क्या घटनाएं होती है, मेजर घटनाएं होती हैं, और उस घटना से बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं उसको भी हमने देखा। एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग हम लोगों ने देखा, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग के कारण क्या क्या घटनाएं होती हैं, बिल्डिंग पर गिरने से कितना खतरनाक होता है, ये सारी घटनाएं हम लोग वन बाय वन देखें। अब हम याद कीजिए, बताए थे मेथड ऑफ चार्जिंग में चार टाइप का होता है मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें से पहला था बाय फ्रिक्शन, दूसरा था बाय इंडक्शन, तीसरा था बाय पोलराइजेशन, चौथा था बाय कंडक्शन। तो उसमें से हम पहला देख चुके हैं बाय फ्रिक्शन, हमारा ये तीनों महारत ही बचा हुआ है, इस तीनों को हम वन बाय वन देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बाय इंडक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के काइंड ऑफ व्यू से, पूछने के काइंड ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहा जाए कि एक तरह से मेथड ऑफ चार्जिंग, और मेथड ऑफ चार्जिंग में नंबर टू हम बात कर रहे हैं बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन जो हिंदी वाले लोग हैं वो ध्यान दें, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन। अब बाय इंडक्शन के द्वारा हम क्या क्या चीज किसको स्टडी करते हैं हम लोग अगर बात करें तो याद रखना है कि हम इसमें जो है बेसिक रूप से हम लोग कंडक्टर का चार्ज करते हैं, कंडक्टर को चार्ज करते हैं। तो दैट मीन्स हम जो चार्ज कर सकते हैं वो किसको कर सकते हैं, कंडक्टर को, दैट मीन्स सुचालक को। तो ये इस तरह से हम बात कर सकते हैं, और आप लोग जानते हैं सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, पढ़े होंगे कुछ ना कुछ। अब कहता है कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, तो कहता है बाय यूजिंग चार्ज रड, बाय यूजिंग चार्ज रड। मतलब पहले से आवेशित एक छड़ को हम लाएंगे और उसके द्वारा हम सुचालक वस्तु को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से देख लिए कि प्रेरण विधि द्वारा हम सुचालक वस्तु को आवेशित करेंगे, और इसे आवेशित करने के लिए हमें एक चालक वस्तु, पूर्व आवेशित छड़ यानी चार्ज रड की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज रड हो या निगेटिव चार्ज रड हो, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर में इंडक्शन है क्या, थोड़ा सा हम देखते हैं। हम लोग बात करते हैं प्रेरण, हिंदी में बात करें तो प्रेरण, प्रेरित करना। तो हम चार्ज को प्रेरित करवा देते हैं, हम यहाँ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम सामाजिक बात कर रहे हैं, चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को घर में प्रेरित किया जाता है कि भाई पढ़ो, अच्छा करो, ये करो, वो करो, आईएएस बनो, यूपीएससी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वैज्ञानिक बनो। ये घर के लोग, पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन, ये सब आपको प्रेरित करते हैं। ये हमारे फिजिकली, दैट मीन्स हमारे इमोशनल एक्टिविटी को वो जगाते हैं, तो वो हमारे सेल्स को जागृत करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हम चार्ज को जागृत करेंगे, दैट मीन्स कि हम जानते हैं दुनिया का कोई भी वस्तु अगर है, सबको दैट ये वस्तु है, हम लोग भी वस्तु हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एक बड़ी है। अब हम बात करते हैं, ये पेन है, ये पेन हमारा प्लास्टिक का है, एक वस्तु है, क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये भार होता है, तो ये एक वस्तु है। दुनिया का कोई भी वस्तु है तो वो न्यूट्रल होता है, पहले से चार्ज उस पर नहीं होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक उस पर चार्ज नहीं आएगा, ये हम पीछे क्लास में देख चुके हैं। अब बात करते हैं, ये वस्तु अगर है, ये कुचालक है, क्योंकि प्लास्टिक कुचालक होता है, हम बात कर रहे हैं सुचालक का। तो हम जो है चार्ज करना चाहते हैं वस्तु को, और प्रेरण के द्वारा, तो हम प्रेरित करवाएंगे किसी वस्तु में चार्ज को, और वह वस्तु कौन सा होगा, सर जनरली कंडक्टर, कंडक्टर मतलब सुचालक, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सुचालक, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, कुचालक।
उसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक अर्धचालक होता है, सेमी कंडक्टर होता है, एक सुपर कंडक्टर होता है जिसको हम अतिचालक कहते हैं। तो जब टॉपिक आएगा मॉडर्न फिजिक्स में उसको और डील करेंगे, और इसके लास्ट टॉपिक में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी लास्ट टॉपिक में हम कुछ टर्म देखेंगे उसको। अब हम बात करते हैं बाय इंडक्शन। तो हम ये समझ गए इसका मतलब है कि एक चार्ज रड की आवश्यकता पड़ेगी और एक सुचालक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं एक क्या करते हैं, स्टेप वन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये एक वस्तु हम लेते हैं जो कि कंडक्टर है, दैट मीन्स ये कंडक्टर है और ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसा है ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो उदासीन। अब कहता है कि न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव भरा हुआ। और पहले से एक छड़ हम लेते हैं और ये छड़ आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा चार्ज है। मान लीजिए कि आपने निगेटिव चार्ज दिया तो ये इसको बोलते हैं निगेटिवली चार्ज रन, दैट मीन्स ऋणावेशित छड़। अब बात करते हैं कि स्टेप टू में, ठीक है, अब हमने देखा कि कंडक्टर भी ले लिया, चार्ज रड भी ले लिया। अब ये कहाँ से है अभी नहीं सोचना, ये सोचना है कि ये पहले से आवेशित है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दिस बॉडी विल बी न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई चार्ज अभी डेवलप नहीं है, ना पॉजिटिव है ज्यादा ना निगेटिव है ज्यादा। अब हम स्टेप टू देखते हैं। स्टेप टू में क्या किया जाता है कि बॉडी के क्लोज हम बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट में नहीं, संपर्क में नहीं। क्लोज का मतलब होता है नजदीक जाना, नॉट फिजिकली टच, फिजिकली टच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है। और उसके अलावा अगर बात करें, ऐसा करते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए इसको एक स्टैंड डाल देते हैं और इसको हम स्तंभ में डाल देते हैं। ये हमारा जो है ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर स्टैंड। अब दिमाग में उठ सकता है कि सर इंसुलेटर क्यों लिए? इंसुलेटर इसलिए लिए कि ये अर्थ है, अर्थ जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव को खींचने का क्षमता रखता है। अर्थ में ऐसा माना जाता है कि अर्थ के पास ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, ढेर सारा नेगेटिव चार्ज है, जिसको देना है दे दो, जिसको लेना है ले दो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। अब कहता है इंसुलेटर इसलिए दिए कि जब चार्ज इस पे डेवलप होगा तो ये धड़ाक से चला जाएगा कहाँ, अर्थ में। और पता चला कि हम चार्ज करना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और जैसे चार्ज और धड़ाक से चला गया हमको पता भी नहीं चला कि वो कब चला गया। इस वजह से हम यहाँ पे इंसुलेटर लेते हैं ताकि वो जा ना पाए। तो कुछ अलग होता है, जैसे हम बात कर रहे थे बादल वाले में, तो बादल पे जो चार्ज आ रहा था, अर्थ नीचे था, बीच में हवा था, हवा हमारा बैड कंडक्टर होता है, कुछ अलग होता है, इस वजह से वो जा नहीं बेचारा पा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे बैड कंडक्टर देते हैं ताकि ये जा ना पाए। चलिए अब अगले स्टेप में बात करते हैं। इस बंदे को हम क्या किए, दैट मीन्स इस बॉडी को क्या किए कि बॉडी के कॉन्टेक्ट में इस वस्तु को हम लाए, दैट मीन्स चार्ज बॉडी को लाए, और ये चार्ज बॉडी हमारा कैसा है, निगेटिव। ओबियस है कि निगेटिव चार्ज अगर है ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, ओबियस है कि इस हिस्से पर इसको ऐसा करते हैं कि इसको सरफेस ए मान लेते हैं, इसको सरफेस बी मान लेते हैं, समझने की काइंड ऑफ से। ये हमारा सरफेस ए, ये हमारा सरफेस बी। अब इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, प्रेरित कर दिया, आकर्षण होगा, चूंकि पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे ये रिपल्सन के कारण जो है, दैट मीन्स विकर्षण के कारण जो है, ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इस हिस्से में दैट मीन्स सरफेस बी पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा और सरफेस ए पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, इस वस्तु पे आपको निगेटिव रखना है या पॉजिटिव रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में, कि जिसको हम जिससे हमको दुश्मनी है उसको अर्थ में भेज देंगे। अर्थ में भेजने का तरीका ये होता है कि जैसे आपका ये वस्तु है और ये हमारा अर्थ है, इस हिस्से में आपका निगेटिव, इस हिस्से में आपका पॉजिटिव, और रड भी आपका यहाँ पर निगेटिव है। आपको पॉजिटिव को भेजना है, पॉजिटिव को अर्थ कर दीजिए। अर्थिंग कोई नया चीज़ नहीं है, तार से जोड़ते हुए धरती में जोड़ दिए,
निगेटिव है, निगेटिव कर दिए। तो मान लीजिए कि आपको निगेटिव को यहाँ से हटा देना है, तो ये सिंबल आपका अर्थिंग का है। ये सिंबल किसका है? अर्थिंग। आगे हम बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट टॉपिक में अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग हुआ अर्थ से जोड़ना, डिवाइस को सुरक्षित करने के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं जनरली। तो निगेटिव है, अब ये निगेटिव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ में फटाफट बहते हुए चला जाएगा। अब इस तरह से इस हिस्से पर आपका जब ये भाग गया, न्यूट्रल हो गया, तो ये हिस्सा आप क्या बच गया? पॉजिटिव। इसका मतलब है इस हिस्से पे पॉजिटिव बचा। अब हम क्या करेंगे, पूर्व रन को हटा देंगे। स्टेप फोर की बात कर लेते हैं। स्टेप फोर में हमने क्या देखा कि इस पर सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ था पॉजिटिव चार्ज, और वो एक दूसरे पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा अपने ही रिपल्सन के कारण। इसलिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपल्सन करेगा, पहले तो निगेटिव था, अब पॉजिटिव का चार्ज डेंसिटी बढ़ा। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव एक दूसरे के साथ जो है कॉन्टिन्यूसली एकदम सरफेस पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो अब चार्ज हो चुका है, जो पॉजिटिवली है। ये हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब ये चार्ज हो गया है, और आप यहाँ पर देखिएगा कि एक समान रूप से वितरित होता है, जितना भी चार्ज आना है वो एक समान रूप से वितरित होगा सरफेस पर। तो ऐसे चार्ज वितरण को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसको हिंदी में बोले तो सतत आवेश वितरण। अब दिमाग आ सकता है कि सतत आवेश वितरण सर क्या है, नया चीज बोल दिया, तो अभी थोड़ा बर्दाश्त करना है, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग खत्म होगा, जस्ट अगला टॉपिक आपका आवेश का वितरण ही है, जहां हम देखेंगे कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है और डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें, चार स्टेप में देखें, तो क्या देखें हम लोग? ये देखें कि इंडक्शन मेथड द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा हम सुचालक वस्तु को आवेशित करते हैं, जिसके लिए एक चार्ज रड की आवश्यकता होती है, चार्ज बॉडी की आवश्यकता होती है। उस इस विधि में हम क्या करते हैं कि एक उदासीन वस्तु लेते हैं और एक आवेशित छड़ लेते हैं। माना कि आवेशित छड़ पर निगेटिव आवेश है, दैट मीन्स ऋणात्मक आवेश है। स्टेप टू, अब उस वस्तु को उस आवेशित छड़ के नजदीक लाते हैं। जैसे ही आवेशित वस्तु के नजदीक लाते हैं वस्तु को, तैसे ही उस वस्तु में प्रेरण की घटना होती है, अर्थात इस छड़ के नजदीक वाले पोर्शन पे, दैट मीन्स यहाँ सतह ए पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और दूसरे हिस्से पर विकर्षण के कारण नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स फेस ए पर धन आवेश का घनत्व बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है, और फेस बी पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। अब हम नेगेटिव भाग को अर्थ कर देते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा फेस बी है और ये हमारा फेस ए है। तो फेस बी को हम क्या किए, अर्थ कर दिए, जिससे वह भाग क्या हो जाता है, उदासीन। वह भाग उदासीन हो जाने से, न्यूट्रल हो जाने से, अब फेस ए पर हमको पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बचा हुआ रहता है। अब हम क्या करते हैं कि नेगेटिव चार्ज रड जो था उसको हम हटा देते हैं। तो जैसे ही इसको हटाते हैं कि इस पर जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, वह आपस में ही विकर्षण के कारण उसके सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, और वह एक समान रूप से फैल जाता है। और इस तरह से जिस वस्तु पर कि कोई आवेश नहीं था, न्यूट्रल था, अब वह चार्ज हो चुका है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बढ़ी, और चूंकि एक समान रूप से फैला हुआ है इसलिए इसको हम बोल दिए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और हिंदी में बोले तो सतत आवेश वितरण। तो इस तरह से आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, आप इसको राइट डाउन कीजिए, तब तक थोड़ा जल्दी जीवन है कर लेते हैं। जो नए लोग हैं, हालांकि जो क्लास में पढ़े हुए हैं ये सारा चीज़ हम लिखाए हुए हैं, जो नए लोग हैं और जो जुड़ना चाह रहे हैं हम उनके लिए बता दें कि इसको आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको ज़्यादा दिक्कत हो तो लिख लीजिए, और जिनको तकलीफ हो कि सर हम नहीं लिख पा रहे हैं, हमारा छूट जा रहा है, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, हम अपने ग्रुप में जोड़ देंगे और उस पर हम पीडीएफ डाल देंगे, पीडीएफ डाल कर देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ये बेहतर होगा। यदि नहीं लिख पाए तो यदि आप लेक्चर के साथ साथ घर पर रूम पर लिख पाते हैं, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि आप बिना पीडीएफ के आप अपने स्तर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, जब ये क्लास आप देख रहे हैं, आप समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मोबाइल पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना एमबी ख़त्म कर रहे हैं, अपना पैसा उसमें लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जितना ही देर देखें, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, जब भी देखिए तो हालांकि पूरा वीडियो देखिए, जो भी मेरा वीडियो हो आप उसको पूरा देखिए, जो भी क्लास देखिए, और उससे जो भी सीखे उसको राइट डाउन कर लिए। हमने पहले भी बताया हुआ है पीछे वाले एपिसोड में कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए, आप कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हम देख रहे हैं, मूवी के तरह नहीं देखेंगे, 3 घंटा मूवी देख लिए, हीरो हीरोइन मिल गया, बात खत्म, नहीं, आप उसको अलग ढंग से देखिए, आप उसको अलग नज़रिए से देखिए, आपके पास समय कम है, हमने एक दो एपिसोड पहले ही बोला है कि हमारे पास काफ़ी कम समय है और इसी कम समय में हमको बेहतर काम करना होगा, तो हमको काम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ लॉकडाउन के बावजूद हम आप तक पहुँचा रहे हैं वीडियो, लेकिन आपका काम क्या है, आप घर पर लॉकडाउन के बावजूद आप जो भी करते हैं घर पर नहीं करते हैं, उसके अलावे एजुकेशन को भी ध्यान में देना होगा, इसलिए आप उसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से जितना अच्छे से हो सके, पिक्चर बनाना है तो अच्छे से बनाए, लिखिए तो अच्छे से लिखे, कुछ बुक्स को जाके पढ़ लिए, ये टॉपिक जहाँ पे मिला NCERT में मिला, SVPD में मिला, SC वर्मा में मिला, जहाँ मिला उसको थोड़ा सा पढ़ लिए, इससे थोड़ा मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। एनीवे हमने बात किया था, 4 मेथड था, दूसरा हमने देख लिया, तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा था बाय पोलराइजेशन, यानी ध्रुवन के द्वारा, यानी ध्रुवन द्वारा कह सकते हैं इसको, तीसरा बाय पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ध्रुवन द्वारा, और इस विधि में हम इंसुलेटर को, इंसुलेटर को हम लोग चार्ज करते हैं, मतलब कुचालक वस्तु को, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपका कुचालक है, और इस विधि में भी हम चार्ज रड का ही इस्तेमाल करेंगे, तो दैट मीन्स ध्रुवन विधि द्वारा सामान्यतः कुचालक वस्तुओं को आवेशित करते हैं, और इस विधि में पूर्व आवेशित छड़ की आवश्यकता होती है। अब कहता है कि अब जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ये कंडक्टर ना होंगे, अब हमारा क्या होगा, इंसुलेटर, इंसुलेटर, और याद रखना है कि जितने भी इंसुलेटर होते हैं सब में डायपोल पाए जाते हैं, डायपोल, डायपोल जो कि आगे हम देखेंगे, टॉपिक है हमारा, अभी सिर्फ सुन के चलिए, तो डायपोल का मतलब हो गया कि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक डायपोल बना दिया, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक डायपोल बना दिया, ये भी डायपोल बना दिया, ये भी डायपोल बना दिया, इसको भी एक डायपोल बना देते हैं, तो अभी डायपोल जैसे तैसे है, तो ये हमारा अभी कुचालक है और कुचालक स्तंभ पर ही हम लिए हुए हैं। अब कहता है कि यहाँ पे इंसुलेटर लिए हैं, ये भी इंसुलेटर है, फेस ए फेस बी, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, आपका मर्जी है, निगेटिव रड लेना है तो निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव रड लेना है पॉजिटिव लीजिए, मान लीजिए आप ही के इच्छा के अनुसार हम पॉजिटिव लेना चाहेंगे, क्योंकि पीछे वाला निगेटिव है, किसी के दिमाग में आ रहा है अगले सर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, इसको हम बोल देंगे पॉजिटिवली चार्ज रड। अब जैसे ही स्टेप वन में जो कह रहा था कि एक उदासीन वस्तु लेते हैं जो कुचालक होना चाहिए और एक चार्ज रडर होना चाहिए, हम दोनों ले रहे हैं, अब दूसरे स्टेप में कहता है ठीक उसी प्रकार से बिना किसी फिजिकल टच के हम क्या करते हैं, उस रड को क्लोज लाते हैं, संपर्क में नहीं लाते हैं, क्लोज लाते हैं, फिजिकली टच नहीं होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, तो जैसे ही हम नज़दीक लाते हैं विद्युत क्षेत्र आसपास फैलता है, और विद्युत क्षेत्र आसपास फैलने के कारण क्या होता है कि डायपोल आपस में सज जाता है, सज जाता है मतलब कुछ इस तरह से सज जाता है, हालांकि ढेर सारे डायपोल होते हैं लेकिन हम यहाँ सुविधा के ख्याल से कम बना रहे हैं ताकि कम समय में बन जाए, और ओबियस है कि निगेटिव के तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव, तो डायपोल में जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा सब उधर मूव कर ले रहेगा,
जो निगेटिव वाला होगा रिपल्सन के कारण उधर मुकर रहेगा, तो दूर के हिस्से में रहेगा निगेटिव, दूर के हिस्से में निगेटिव और नजदीक वाले हिस्से में पॉजिटिव। तो इस तरह डायपोल ऐसा नहीं कि सब उधर चला जाएगा, डायपोल बना हुआ है। अब ये कहता है चूंकि कुचालक है इस वजह से डायपोल है। अब जैसे ही इस तरह से हुआ ये आपस में कॉन्टैक्ट में रहता है, ये थोड़ा सा हट गया है बनाने के कारण, लेकिन ये टच में रहता है। ये पॉजिटिव निगेटिव जब एक जगह हो जाए परिमाण बराबर हो जाए तो वो हो जाता है न्यूट्रल, ये भी हो जाएगा न्यूट्रल, ये भी हो जाएगा न्यूट्रल। तो इस हिस्से पर आपका क्या बच रहा है निगेटिव, इस हिस्से पर क्या बच रहा है पॉजिटिव। तो ठीक उसी प्रकार से इस हिस्से पर जो आपका बच जा रहा है वो बच जा रहा है निगेटिव और इस हिस्से पर बच जा रहा है पॉजिटिव। तो हम फेस ए पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव का चार्ज डेंसिटी बढ़ गया और फेस बी पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। अब फिर आपके ऊपर निर्भर करता है स्टेप थ्री में कि आप इस वस्तु पर कौन सा चार्ज रखना चाह रहे हैं। सपोज दैट आपके दिमाग में यार नहीं हमको पॉजिटिव ही को बढ़ाना है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और अब पॉजिटिव को हम क्या करेंगे अर्थ करेंगे, पॉजिटिव को अर्थ कर दिए। तो पहले क्या था कि निगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था तो वो चला जाता था, अब ये पॉजिटिव है बेचारा हिल तो सकता नहीं है, इसका मतलब है कि अब क्या होगा कि यही जाएगा मतलब धरती से जाएगा इलेक्ट्रॉन और अब ये पॉजिटिव को क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये जैसे न्यूट्रलाइज हुआ कि ये आपका बच गया इस फेस पे निगेटिव, अब जैसे ये निगेटिव बचेगा कि निगेटिव जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर है लेकिन ये कुचालक होने की वजह से हम जानते हैं कि कुचालक के सरफेस पर या इंटरनल आपका चार्ज मूव नहीं कर सकता है, इसलिए तो उसको हम कुचालक बोलते हैं, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं जाए। और सुचालक का मतलब सतह पर भी गर्दा झाड़ सकता है और अंदर भी, इसका मतलब है कि अंदर बाहर दोनों सुचालक में गति कर सकता है लेकिन कुचालक में ना तो सरफेस पर गति कर सकता है ना तो इंटरनल, इसका मतलब है कि वो सरफेस पर जहाँ चार्ज है वहीं रह जाएगा। और हम देख रहे हैं ये वस्तु आपका नेगेटिवली चार्ज हो चुका है लेकिन अब कुछ हिस्से में चार्ज है और कुछ हिस्से में चार्ज नहीं है, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको औसतत्व आवेश। तो फिर बर्दाश्त करना है, यहाँ पे हम एक नया चीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आगे जस्ट हम बताएंगे कि क्या है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि ध्रुवन विधि क्या है और इससे इसको आवेशित किया जाता है, कैसे आवेशित किया जाता है, इन शॉर्ट आप एक बार देख लीजिए बाद में आप उसको अपना लिख लीजिएगा। ध्रुवन विधि द्वारा सामान्यतः कुचालक वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। इस विधि में एक पूर्व आवेशित छड़ को लिया जाता है, माना कि वह पूर्व आवेशित छड़ धनावेश है धनावेशित है। इस विधि में एक उदासीन कुचालक वस्तु लेते हैं और उसे इंसुलेटर स्टैंड पर रख देते हैं और उसके समीप एक पूर्व आवेशित छड़ को रखते हैं और पूर्व आवेशित छड़ में यहाँ पॉजिटिव लिए तो ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव है, मिस्टेक हो गया यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव था पॉजिटिव पॉजिटिव ये उल्टा होना चाहिए था, तो पिक्चराइज थोड़ा सा हम कर लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उल्टा हो जाएगा जो पहले वाला ये ठीक था, इसी से इस फेज पे आ जाएगा तब सारा आंकड़ा उलट रहा है, इसको लाने से अच्छा है ये आपका पॉजिटिव है रहने दिया जाए, हम नेगेटिव चार्ज ही लेते हैं इसी को बदल देते हैं कम समय में हो जाएगा, ये नेगेटिव ही चार्ज है ये भी आपका नेगेटिव ही है और नेगेटिव है ये अब ठीक है ये भी आपका नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही रहने देते हैं शुरुआत में भले बोले थे तो ये आपका हो गया ये भी सही है, अब यहाँ पर बच गया आपका नेगेटिव ये भी सही है। चलिए अब हो गया। तो इस तरह से अगर हम फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसको हम सुधार कर लेते हैं। पोलराइजेशन विधि द्वारा हम सामान्यतः कुचालक वस्तुओं को आवेशित करते हैं। इस विधि में एक पूर्व आवेशित छड़ की आवश्यकता होती है। इस विधि में एक उदासीन कुचालक वस्तु को पूर्व आवेशित छड़ के समीप लाते हैं और समीप लाने से
कुचालक वस्तु में जो द्विध्रुव होते हैं वो आपस में सज जाते हैं, जिससे वस्तु के एक सतह में पर धन आवेश का घनत्व बच जाता है, बढ़ जाता है, और दूसरे सतह पर ऋण आवेश का घनत्व बढ़ जाता है। अब हम सुविधा अनुसार धन आवेशित भाग को अर्थ कर देते हैं, जिससे वह भाग उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और फेस बी पर ऋण आवेश का घनत्व बच जाता है। अब हम पूर्व आवेशित छड़ को हटा देते हैं, किंतु फेस बी पर ऋण आवेश का घनत्व बचा रहता है। किंतु हटाने के बावजूद ये आपस में एक जगह सतह पर नहीं फैलते हैं, क्योंकि वस्तु हमारा कुचालक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुवण विधि द्वारा वस्तु ऋण आवेशित हो चुका है, लेकिन ऐसे आवेश वितरण को डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, अर्थात असतत आवेश वितरण कहते हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा, और इसको थोड़ा लिखने का प्रयास करना, लिख लेना है, जिसको जिससे नहीं होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पहले ही हमने बता दिया है, 9135943551, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक नंबर भी यही है, आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा लॉ क्या है, ये तीसरा मेथड क्या है, ये चौथा में हमने देखा, आपको बताया हुआ है हमने कि चौथा मेथड हमारा कंडक्शन है, ये भी अच्छा मेथड है, बाय कंडक्शन चालन के द्वारा